यह तो सुना ही होगा कि दो घोड़ा दोस्त घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या। बोलने के लिए जबान भगवान देती है, बाबा जी ने नहीं। और बाबा तुझे तेरी दृष्टता का फल चखाता हूँ, तुझे यह भी नहीं पता कि इनकी तरफ देखते हैं। हाँ तो शहर की आंखें लाल हो गई और उसका चेहरा बड़ा हो गया। जमाना आ गया है, बोलने भी नहीं देते। तू तो बोल जो तुझे कहना है। जो कहना है कह, एक बार सुनने में बाबा जी का क्या चला जाएगा। बोलने के लिए सब दीन भाव से उसकी तरफ देखता हुआ बोला, घोड़ा अगर भक्त जनों घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। हाँ तो फिर शेर की आंखें लाल हो गई थी जैसे चेहरा। ओके त्रेंद्र सिंह बारेट, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। ओके स्टार्ट। हाँ तो फिर शेर की आंखें लाल हो गई, उसका चेहरा कुछ और बड़ा हो गया, उसका कद कुछ और खींच गया। जब वे हस्बैंड हस्बैंड चीटिंग विद वाइफ बेसिकली वर चीटिंग ईच अदर, हाउ ही गेट पीस, हाउ और खींच गया। और जब वो जोर से दहाड़ा तो सारा वातावरण थर्रा उठा। एक बार तो ऐसा लगा बड़े बड़े नेता आते हैं बाबा जी के पैर छूने। हाँ तो फिर शेर की आंखें बड़ी हो चुकी थी, उसका कद कुछ और खींच चुका था और वह जोर से दहाड़ा तो सारा वातावरण थर्रा उठा। एक बार तो ऐसा लगा कि वातावरण ने सांस रोक ली। अरे बारे क्या जमाना आ गया है, बोलने भी नहीं दे रही है। जो कहना है कह, एक बार सुनने में ये बाबा जी का क्या कुलसर घट जाएगा। और उसका चेहरा बड़ा हो गया और उसका कद और खिंच गया। हाँ तो फिर शेर की आंखें लाल हो गई, उसका चेहरा कुछ और बड़ा हो गया और उसका कद कुछ और खींच गया। पर अब चलो आप लोगों को पता तो होगा, अगर घोड़ा घास से मित्रता करेगा तो इस जंगल के पशु पक्षी पंछी पखेरे उससे किस तरह बात करते हैं। क्या बोलने भी नहीं दे रहे, तू तो बोल जो कहना क्या। एक बार बाबा जी एक अरे मारे कैसा जमाना आ गया, बोलने भी नहीं देते। तू बोल कहना है चुके, एक बार सुनने में बाबा जी का क्या घट जाएगा। मुंह में जबान हमें भगवान ने दी, बाबा जी ने ना बोलने से रोकने वाले वो कौन होते। आए थे अंग्रेज जब प्यारे देश रखकर भेड़िया की खाल पहने, वो भेड़िया थे सब आखिर उदय हुआ था स्वाधीनता का सूरज भागे। तो हुआ ये कि उस दिन भी नहीं देखा कि तुझसे कुछ संवाद की शूटिंग सिर्फ 3 दिन में पूरी की गई।
इस दौरान कई नई चीज़ें सीखने और देखने का एक्सपीरियंस हुआ। मैंने ये फिल्म इसलिए बनाई थी ताकि छात्रों को और हमारे स्टूडेंट्स को ये पता लगे कि फिक्शन फिल्म में क्या क्या एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस तरीके से काम होता है। उनको ये समझ में आना चाहिए कि जो फिल्म के अलग अलग आस्पेक्ट हैं, डॉक्यूमेंट्री होती है, एडवर्टाइज होती है, प्रोमो होते हैं या फिक्शन फिल्म होती है, ये सब अलग अलग आस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग विधाएँ हैं, तो समझ में आना चाहिए। तो इसलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। फिल्म की शूटिंग के साथ मुंडूती के गांव वालों से जुड़ने का एक अलग ही अनुभव था। दर्शक बने बच्चे, बूढ़े, लड़कियां, लड़के और तो और घर की लुगाइयां भी। गांव का माहौल किसी छोटे मेले से कम न था। लोग अपने काम छोड़कर सुबह से शाम तक फिल्म की शूटिंग देखते और आनंद लेते। एक दो बार तो दर्शक भी डायरेक्टर बन गए। आसपास के माहौल और दूर तक फैली वातावरण को अपनी आंखों में बसाया। इसी बीच उसने अपनी गर्दन को कई बार आगे पीछे घुमाया। कट। अभी तू कहाँ उठ के गई? बैठ बैठ बैठ। जाएगा ना जाएगा। क्या सूट पहले दिन था तो मैं लाइनें भूल जाता था और बार बार टेक पे टेक लिया करता था, क्योंकि मुझे कैमरे पे काम करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, जिससे कि मुझे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। मगर सर के डायरेक्शन की वजह से मुझे उसको ओवरकम करने में मौका मिल गया और मैंने जल्द ही उसको रिकवर कर लिया। हेलो। अरे यार। संवाद के साथ कई हास्य और मेमोरेबल मोमेंट्स जुड़े हुए हैं। एक एक्टर के तो बाल वहीं सेट पर काटने पड़े। लोगों की चलती गाड़ियां रोक रोक कर रीटेक्स करवाए गए। लास्ट डे की शूटिंग में गांव वालों ने बाबा के दर्शन किए और दान पात्र में भी योगदान दिया। वाकई उन्होंने क्रू मेंबर्स की बहुत हेल्प की और उसके हम आभारी हैं। और कोशिश यही रहेगी कि आगे भी ये रिश्ता यूं ही चलता रहे। जी कह रहे थे कि वो गांव में नहर लाएंगे, पर उस पे तो राम खिलाड़ी कुंडली मार के बैठ गया। जी, संवाद मेरी फर्स्ट मूवी थी और मेरे को बहुत काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि सबके साथ काम किया और अच्छा था। ओवरऑल अच्छा एक्शन और फनी काफ़ी था। में सारी लुगाइयाँ थी, उस कमीने के हाथ पैर तोड़ दिए। कमीने आ गया सर। पहले दिन की शूटिंग में एक ही सीन के एटलीस्ट 25 रीटेक्स हुए। एक्टर्स ने तो पूरी टीम के पेशेंस टेस्ट ही करवा दिए। ऊपर से डिपार्टमेंट्स की रेगुलर क्लासेस की वजह से एक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे। बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में अपॉइंटमेंट्स फिक्स होते। कई बार डायलॉग्स या शब्द चेंज करवाने पड़ते, कैरेक्टर्स चेंज हुए। वरुण देवता की कृपा से शूटिंग डिले भी हुई, लेकिन लोगों का उत्साह कम ना हुआ। मूवी बहुत अच्छी थी और वहाँ पे बहुत हमने एंजॉय किया। शूटिंग के दौरान बहुत हंसी मजाक भी चलता रहा, कई लोग डायलॉग भूल जाया करते थे
और अभी अभिमन्यु के तो डायलॉग्स इस तरह से होते थे कि मुझे हंसी आ जाती थी, और कई बार उसको रिपीट एंड रिपीट अगेन करवाया जाता था, कम से कम 10 to 15 टाइम उसने अपने डायलॉग्स रिपीट करे। तो वहाँ पे जो एंजॉय किया वो बहुत ही अच्छा था हमारे लिए, बहुत हंसी मजाक करते हुए हमारी शूटिंग पूरी हुई। बोल भक्त जनो, भक्त जनो, चलो। मेरी भैंस अकल चराने चली गई है क्या? छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। भैंस अकल चराने नहीं जाती, अकल भैंस चराने आती। बता, सुनो चुपचाप, बता अपनी रामायण पे। मूवी के अंदर हमने जो गांव में जो अंधविश्वास है, जो कि जो बाबा लोग जो आते हैं और वो एक अंधविश्वास लोगों में भर देते हैं कि सबसे ऊपर वो होते हैं, ना कोई पॉलिटिशियन उनसे ऊपर होता है, ना कोई टीचर उनसे ऊपर होता है। लेकिन इसके अंदर बताया गया कि जो समाज के अंदर जो एक प्रथा चल रही है कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं, तो उस एक कुरूति समाज की एक जो बहुत टिपिकल जो कंडीशन है उसे इस मूवी में रखा गया। इसके अंदर छोटे छोटे कैरेक्टर्स के द्वारा एक समाज की एक बहुत बड़ी जो समस्या है उसे बताया गया और उसे सबके सामने रखा गया। एंड मुझे सबसे अच्छा याद आता है कि जब एक कुत्ता था, जब हम लोग फिल्म बना रहे थे तो एक कुत्ता था, वो बार बार बीच में आता था, तो रवि चतुर्वेदी सर उस पर बहुत जोर से चिल्लाते थे, और तो सब लोग सारे जो तो को स्टार थे वो अपने डायलॉग बोल के सब हंसने लग जाते थे। एक मेरा लिए था कि जब मैं डायलॉग बोलता था तो मैं रवि सर की तरफ देखने लग जाता था, तो सर को मेरे कारण से कैमरे के पीछे से हटना पड़ गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आती थी मन में, पर मुझे लगता था कि सर को आज मेरे कारण से हटना पड़ रहा है। तो उससे मुझे सीखने को मिला कि अपने को मतलब अपने डायलॉग पे ध्यान देना चाहिए, अपन जो कर रहे हैं उस पे फोकस करना चाहिए। घनश्याम सर और प्रांता सर के मेकअप टैलेंट ने तो कमाल ही कर दिया, सच में उन्होंने एक्टर्स के लुक को हिट करवा दिया, इतना कि गांव वालों ने हमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ना समझकर अपने में से ही एक समझ लिया। यहाँ तक कि गांव की लुगाइयों ने हमारी एक एक्टर को राजू की बीनड़ी समझ लिया। इट विल बी रियली गुड टू सी आवरसेल्व्स ऑन द स्क्रीन, सो फीलिंग लाइक स्टार इन द यूनिवर्सिटी, सो इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और बाप किसके साथ मस्ती कर रहा था? चल हट शैतान। अरे वो तो पड़ोसन की पड़ोसन कमला के साथ मस्ती कर रहा था। बदमाश, नाच पीटे, औरतों की बातें सुनते चोरी चोरी, शर्म नहीं आती तुझे? मैंने इस मूवी के अंदर एज अ कैरेक्टर छिछोरा किया है गांव का, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था कैरेक्टर, और ये मेरी लाइफ की पहली फिल्म थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसा लगूँगा, क्या क्या होगा मेरे साथ मूवी के अंदर, किस तरीके से क्या करना है, बस किया और सब कुछ अच्छा ही होता गया, और देखते देखते आज जब फाइनली अपने आप को स्क्रीन पे देखता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ, और लोगों की तरफ से भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और जनानियों टाटा मैजिक के ड्राइवर द्वारका प्रसाद जी ने भी खूब जिम्मेदारी निभाई। कहा जाता है टीम वर्क बहुत मुश्किल होता है, पर संवाद ने इसे गलत साबित कर दिया। सभी एक्टर्स फुर्तीले और एक्टिव थे, हंसी मजाक ठहाकों से सेट लाइवली होता, कई बार गालियां भी बरसती एक दूसरे पर सबने कहा ऑल इज वेल। आंखों देखा एक्टिंग का मजा तो सबने उठाया, और हमने उसे कैमरे के लेंस में कैद भी किया, जिसने और भी ज्यादा गुदगुदाया। एक्टर्स से भी ज्यादा व्यूअर्स होशियार थे,
जिन्होंने डायलॉग्स याद करवाए और गलत होने पर टोका भी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी मूवी में काम करूंगी। मैं बस देखती रहती थी किसी भी, मेरे को सीरियल्स देखना, मूवी देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं चाहे पूरे दिन बैठ के उन्हें देख सकती हूँ। और मैंने इस बारे में अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया। अब बाद में जाकर के मैंने उन्हें सीधे मूवी दिखाई बिना कुछ बताए, एंड वो बहुत ही सरप्राइज हुए और इस चीज़ से मुझे बहुत अच्छा लगा। बता दो जहाँ गाँव की लुगाई तसल्ली से पानी का जुगाड़ कर सके। बस आपकी कृपा हो जाए, कल बोलेंगे। संवाद के दौरान बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। संवाद जब बनी तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। रवि सर के डायरेक्शन में हमने अच्छा काम किया और पहले सुना था फिल्म्स के बारे में, कैसे बनती है, कैसे क्या होते हैं और कैसे साउंड कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे बोलते हैं कि लाइट कैमरा एक्शन। उस ठेकेदार के कीड़े पड़ेंगे कीड़े। अरे यार तू आज ठेके पर पहुंच गया क्या? ठेकेदार ने मेरे को बिना दारू के ठेके पर से भगा दिया। एक घूंट भी दारू की नहीं। भगवान संवाद फिल्म में काम करना मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव था। जो मेरी टीम के साथ थी और ये सब थे मेरे लिए बहुत हेल्पफुल पर्सन थे सारे के सारे। और इसके अंदर संवाद फिल्म के अंदर भारूपाल का राम स्वरूप का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार शेर ने मेमने को चीड़ फाड़ कर बराबर कर दिया। बापड़ा की बेबाक ही जान चलेगी। ये तो सरासर अन्याय है। ऐसे तो दुनिया खत्म ही हो जाएगी। ऐसे अन्याय का कोई तो अंत होगा महाराज। दस छोकरे, तेरा ये साहस, तू मेरे पीने के पानी को झूठा करे? हाँ, तभी शेर ने गरजते हुए कहा, अबे धृष्ट छोकरे, तेरा ये साहस कि तू मेरे पानी के पी मेरे। सब पर एक्टिंग का जुनून इस कदर सवार था कि खाने पीने तक का होश न था। फिल्म की शूटिंग 3 बजे शुरू होती थी पर उसकी प्रेपरेशन के लिए अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तैयारियां करनी पड़ती। सभी इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता और खुद से भी ज़्यादा केयर करनी पड़ती। तारीख 20 अप्रैल 2013, समय शाम के 5:30 बजे। बाबा ने जैसे ही अपनी कथा समाप्त की तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी चारों ओर। अपनी भारी भरकम आवाज में डायरेक्टर बोले, एक्शन, कट, पैकअप। जैसा कि होता है आमतौर पर फिल्म जो है ना, एक फिल्म कम्युनिटी के लिए नहीं होती बल्कि एक पूरी सोसाइटी के लिए होती है। हमने भी वही करने की कोशिश की कि फिल्म हमारे डिपार्टमेंट की नहीं थी बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी की थी। उसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स के दूसरे लड़के हर तरीके से इन्वॉल्व हुए और जब उन्होंने उसको देखा या जब काम चल रहा था तो पूरा एनवायरनमेंट एक तरीके से चार्ज था कि यूनिवर्सिटी में फिल्म बन रही है। एंड इट वाज क्वाइट एनकरेजिंग एंड क्वाइट मोटिवेटिंग एज वेल। आई थिंक के फ्यूचर में भी अब एक बड़ी फिल्म बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। और प्रेशर आना शुरू हो गया है, लोग बार बार ये डिमांड करने लगे हैं कि कुछ और भी होना चाहिए। एक्टर्स ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स भी खिंचवाई CMS के प्रोफेशनल्स से। हाँ भाई, जरूरी भी था वरना फेसबुक पर लाइक्स कैसे मिलते।